जीरो पढ़ाई है आपकी जी। लेकिन फिर आपने कैसे सोचा कि हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे? जी पूरा करी ना अपना जौन भारत बाट हिंदुस्तान वगैरह टॉप लेवल पर लेकर आए। क्या लगता है दाढ़ी मूछ इतना बड़ा बड़ा क्या क्या कोई रीज़न है क्या दाढ़ी? जी रीज़न भाई ये बाकी जब तक ले कर बना के ना उड़ा दें जब तक ले हम दाढ़ी मूछ ना छिलवाए। अच्छा तो क्या लगता है काम कैले स्टार्ट कैले रहनी उबरत लोग कहे कि पागला गल बा हेतिया हो गल बा तो मगर जब हम छोटा बना के उड़ा के दिखा देनी तो एक गाँव के लोग हमारे फुल सपोर्ट करेला फुल आशीर्वाद देना। स्टेयरिंग हो गए ये अपन लीवर हो गए जी और एक गियर हो गए पैर में गियर पैर के गियर हेलीकॉप्टर में उसी रहता है जी ये सही रहता है। अच्छा मीटर वगैरह लगाए तेल से बिना तेल से हम उड़ा वाला मशीन जो फिट करें जो एक अंदर लगाए इसके अंदर लगाएंगे आप जी और हमारा हेलीकॉप्टर में यही एक चीज रेडीमेड है। अच्छा। बाकी जो है पूरा टोटल हम अपने हाथ से बनाया हम लोग मतलब कुछ आदमी सोशल मीडिया के तरफ से पता चला और कुछ इधर के लोग बताए मतलब लड़का साथ में पढ़ते हैं वो लोग बताए। क्या लगा था अरे और बेटा तो हाथ डाल दिले मैं नया काम में क्या उम्मीद बटे रुपया तो बहुत खर्चा हो गई बटे सब भगवान के दया बटे पंच के दया बटे पंच में परमेश्वर होला सारा लोग कहत हटे सरकार से मैं इतना प्रार्थना करते हैं जो सरकार कुछ मुझके मदद मिले जो लड़का आगे बढ़े जिस सारा बिहार को ना हो और गोपालगंज जिला को और बरौली थाना को सब किसी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। आज मैं पहुँचा हूँ गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा में जो कि अगर बात किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में पंकज त्रिपाठी के नाम जो कि फिल्मी स्टार हैं अभी उसी पंचायत के एक और युवा इतिहास रचने जा रहा है। इस बार हम बात कर रहे हैं अमरजीत जी को जो काफ़ी दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पे कि खुद ये हेलीकॉप्टर बनाए हैं लेकिन इसमें यूनिक बात ये होगी कि इस हेलीकॉप्टर में ना ही कोई ईंधन ना ही कोई सोलर ना ही कोई बैटरी का प्रयोग होगा। अब ये जो कि इंटरनली रखें अभी इस बात को कि बिना ईंधन और बिना बैटरी के इस हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे और खुद उड़ाएंगे। हालांकि ये भी एक नया बात ये होगी कि अब तक ये हेलीकॉप्टर पर कभी नहीं बैठे हैं ना ही कभी हेलीकॉप्टर के पार्ट पुर्जे के बारे में जानते हैं। यानी अगर बात की जाए तो बिहार सुर्खियों में रहता है। अगर गोपालगंज की मैं बात करूँ तो ये गोपालगंज एक ऐसा ज़िला है जो कि अब तक के तीन मुख्यमंत्री को दे चुका है लेकिन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट को पैदा करने जा रहा है। इस बार देखना होगा ये क्या इस बार ये इतिहास रच पाएंगे क्या ये दुनिया के साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट बन पाएंगे। चूँकि बात तो ये है कि बिना ईंधन बिना तेल के ये हेलीकॉप्टर उड़ेगी। मैं बात करूँगा जो कि ड्राइंग यही बनाए हैं मिस्त्री यही हैं पायलट यही हैं हर चीज़ अगर बात माना जाए तो हर चीज़ यही हैं और एक किसान फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। मैं बात करूँ तो इनके पास जितने पास अभी पैसा था उतना पैसा पूरा खर्च कर दिए हैं। इनका कहना है अगर देश हमको सहयोग करता है एक एक रुपया करके अगर हर जनता हमको सहयोग करती है तो मैं पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान को नाम रोशन कर दूंगा। क्योंकि अगर एक रुपया एक इंसान देता है तो मैं एक हफ्ता के अंदर में इस हेलीकॉप्टर को मैं उड़ा दूंगा। अब देखना ये होगा क्या ये एक हफ्ता के अंदर आप लोगों के सहयोग से उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा। आइए हम बात करते हैं अमरजीत जी से। अमरजीत जी सबसे पहले तो आपका बधाई कि एक छोटे से गांव से होकर जी और आप इतना बड़ा सोच रखे। और रही बात एक बेलसड़ जो कि अगर अब तक मैं बेलसड़ की बात करूं तो पंकज त्रिपाठी जो कि पूरा हिंदुस्तान में छाए हुए हैं अब उनके अपार सफलता के बाद अब आप एक नई ईजाद किए हैं नई सोच लिया लाए हैं। चूँकि अगर पढ़ाई के बारे में बात करूँ तो आपका पढ़ाई अब तक की नहीं हो पाई है कुछ भी जीरो पढ़ाई है आपकी लेकिन फिर आपने कैसे सोचा कि हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे? जी सबसे पहले तो हम मतलब एक इंसान है और इंसान को अच्छा सोच रहता है तो उसके हर काम जो होता है ना बचपन में बोलते नहीं हर जान हर काम बटे वो सफल होला। यही से हम बीती चुके हैं बहुत मतलब देखी हेलीकॉप्टर आवे जाए गोपालगंज सिवान में तो देखी तो अमरजीत हम ठल रहनी कि हमहूँ हेलीकॉप्टर बनाए और बना के उड़ाए है ना। ओकरा बाद से हम गैरेज लाइन के काम सीखनी डीजल मैकेनिक हैं अगर वैसे वही नहीं तो मैंने छोटा फैमिली से बनी यानी कि गरीब फैमिली से बनी तो पढ़ाई हमारे उतना ना भई ना भल तो फिर हम विदेश गए नहीं विदेश से वही नहीं तो वो जी विदेश में हम है को हेलीकॉप्टर देखनी और हेलीकॉप्टर देख के ओकरा बाद से अपना दिमाग में बैठे नहीं वो जी विदेश में 28 महीना मतलब काम सीखनी अपना दिमाग से कि हमारे के किए का करेब जाने से हेलीकॉप्टर बनी और जाना से एक उड़ान ले हम। क्या आप कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? जी ना
हेलीकॉप्टर करीब से देखे हैं? जी करीब से देख ले बनी, लगे जाके देख ले बनी, मगर बैठल नहीं की। क्या लगता है आपको जब आप करीब से भी नहीं देखे हैं और आप इंटरनली रखे हैं, नहीं बता रहे हैं ना ही किसी ईंधन से ना ही किसी बैटरी से हम उड़ाएंगे, तो क्या लगता है जो आपका जो दिमाग है जिसे आप स्टडी किए हैं, आपके हिसाब से क्या साइंटिस्ट लोगों को पीछे छोड़कर आप बरौली विधानसभा को नाम को आगे कर पाएंगे आप? जी ये हम बरौली जोन विधानसभा गोपालगंज जोन डिस्ट्रिक्ट बैठे हम और पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान के टॉप लेवल पर लेकर आए जौन कोनो इंजन से मतलब कोनो डीजल पेट्रोल से ना चली अनु एक रख लेके आए। क्या जो पार्ट पुर्जा लाते हैं क्या जहाँ हेलीकॉप्टर के सामान मिलते हैं वहाँ से पार्ट पुर्जा खरीदते हैं या कहीं और से? ना ऐसे तो कोनो बात नहीं कि हेलीकॉप्टर के कैसे गवर्नमेंट की चीज़ है, हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट तो दी ना हमारा के, हम गरीब घर से बानी तो कहाँ से उतना दी, तो कुछ मान लें कि ये ट्रक में के सामान भइल, कुछ ट्रैक्टर में के सामान भइल, कुछ मतलब चार चक्के की गाड़ी के सामान भइल, तो एक के सब इकट्ठा करके एगो मिसाइल तैयार कर सकता नहीं हम। क्या आपने कभी ऐसा प्रयोग किया है, चूँकि जैसे आप बना रहे हैं एक होता ढांचा बनाया जाता है, ढांचा बना कर आपने कभी उड़ाया है हेलीकॉप्टर को? हाँ एक फीट में हम बना के मतलब जब एक के बनावे से पहले हम एक फीट में बना के ऊपर इंटरव्यू ले ले रहनी अपना घर के लोग के देखनी, तो उबरा हलाल कि मतलब हमर बाबूजी मरल हूँ रहनी कि इतना रुपया आई कहाँ से, जीत में दू थप्पड़ मरले रहनी, तो विश्वास मतलब यहाँ लोग ना होके तो हमारे भैया बानी तो वहाँ के मैंने हमारे साथ देहनी, तो हम वहाँ के लोग मैंने अपने घर को छोटी चुकी बना के उड़ा के हम देखनी, तब ये बड़ा हमारा घर के लोग साथ देहल। क्या जितना पैसा है उतना खर्च हो गया है आपके पास? जी जितना पैसा रहे उतना हमारा पूरा खर्च हो गए बा। क्या जमीन वमीन बेचे हैं? जी जमीन हमारा पापा जो थे वो थोड़ा गिरवी रखे हैं। गिरवी रखे हैं जी। क्या लगता है सरकार आपको मदद कर पाएगी? अभी तो हमारा मालूम नहीं है कि सरकार मदद करे कि ना करे, मगर हम जरूर सरकार से मदद मांगे चाहते नहीं कि हमरा मिलो अनु कि जल्दी जल्दी एक सपना के पूरा करी अना अपना जौन भारत बाट हिंदुस्तान वगैरह टॉप लेवल पर लेकर आई। क्या लगता है दाढ़ी मूछ इतना बड़ा बड़ा क्या क्या कोई रीज़न है क्या दाढ़ी? जी रीज़न भाई ये बाकी जब तक लेके बना के ना उड़ा दें जब तक ले हम दाढ़ी मूछ ना छिलवाएं। अच्छा तो क्या लगता है इस साल 2020 में क्या आप अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे? जी मतलब अगर जो हमारा सपोर्ट मिल गई अपन जौन भारत सरकार हमरा के सपोर्ट कर दिलस दे दिलस तो हम एक 10-15 दिन में एक उड़ान ले लें हम, अगर ना दी सपोर्ट तो आप वही थी भैया लो बानी लो प्रदेश में जाए हम लोग जाते रहनी जौन कमानी लो जौन देनी लो तो हमें लगावे नहीं। क्या आप अकेली कार्य करते हैं या कोई और कार्य करता है? हमारे साथ में धर्मेंद्र जी बनन हमारे दोस्त हों वो हमरा के मैंने हेल्प करे नहीं। धर्मेंद्र जी हेल्प करते हैं आपको? जी। तो क्या अब कोई गांव के लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि पैसा फाजूल का खर्च हो रहा है या ऐसा कुछ? गांव के लोगों का रिस्पांस कैसे मिल रहा है आपको? ना गांव के लोग जो पहले मतलब जब काम कैले स्टार्ट कैले रहनी उबरे तो लोग कहे कि पागला गल बा हेतिया हो गल बा, तो मगर जब हम छोटा बना के उड़ा के दिखा देनी तो एबरा गाँव के लोग हमारा फुल सपोर्ट करेला फुल आशीर्वाद दिला लो है ना, हम बहुत खुश बनी अपने गाँव के लोग से। क्या जो आप ढांचा बनाए थे पहले वाला जी क्या आपके पास है अभी या कहीं और है? नहीं देखिए वो ढांचा हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा जो ढांचा बा वो में दो गो कारण बा, एगो तो बिना पेट्रोल से उड़े ले रहनी, दूसर का वो ढांचा जौन हम बनैले रहनी तो हम मीडिया पे मतलब रोरल बनी लो तो हम लिया के ओकरा के सामने नहीं दे सकत। अच्छा ये तो आप नहीं दिखा सकते हैं लेकिन रही बात यहाँ तक क्या अब तक आपके पास सुरक्षित है? ना सुरक्षित तो नहीं के मतलब उड़ैले रहनी ना तो काफ़ी 400 फीट हाइट उड़ रहा है 600 फीट लंबाई जाके गिर रहा है तो वो पेड़ में टकरा गए रिमोट कंट्रोल से वो करके इसी कैले रहनी तो पेड़ में टकरा गए तो वो गिरल ना तो टूट गए मगर वो तिया और रख ले बनी वो करा के। तो क्या कोई नापने वाला आपके पास ये था पैरामीटर था कि नाप लें कि 600 मीटर या 400 मीटर गया है? हाँ रिमोट रिमोट से हम ओकरा के इसी कैले रहने रिमोट से। जी आखिर इसमें आप हेलीकॉप्टर तो बना रहे हैं आखिर इसमें खूबियाँ क्या क्या होंगी? खूबियाँ यही है कि डीजल पेट्रोल से ना उड़ी। डीजल पेट्रोल से और कोई खूबी? बैटरी सोलर से ना उड़ी। बैटरी सोलर से नहीं उड़ेगा? जी। तो इसमें कोई कैमरा सेंसर वगैरह? हाँ, सेंसर हम लगाएंगे लगाएंगे कि जौन मतलब 5 किलोमीटर पर के एक रह मारता वो लोकेशन बता दी, जब 2.5 किलोमीटर के आसपास में हमने जाँच तो चेहरा पूरा बता दी कौन दिशा में बांटे आदमी के जमीन से कितना हाइट पर हुआ वो पूरा बता दी। और रही बात की ये जो आप टीना से बनाए हुए हैं? जी रही बात टीना से पहली बार देखा गया है तो बिहार में टीने से बनाया जा रहा है, क्या लगता है कि इसमें आदमी का ज़्यादा गर्मी नहीं होगा? नहीं इसमें पूरा व्यवस्था है ना पूरा मतलब एसी उसी पूरा हम लगाएं लगाए कैसे हम जानते हैं कि टीना से ना बनेला फाइबर से बनेला मगर उतना हमारा लगे पैसा नहीं के उतना फाइबर के जो बनेला ओकर एगो फर्मा आवेला
हेलीकॉप्टर की, तो फरमाया हमारा बनाए में तनी काफ़ी खर्चा बैठे, तो खर्चा के छोड़ के हम सोचने की टीने के बना दिए करेंगे, तो हम टीने के बनाएंगे। फोर व्हीलर को कोशिश किया जिस ईंधन से आप यूज करेंगे इसमें, उस ईंधन को उसमें डालकर? नहीं नहीं, वो मतलब ये चार चक्का से लेकर अठारह चक्का तक ले उसमें कोनो इंजन ना लगी, खुद इंजन अपना सा बनाए। वर्ल्ड में इंजन ऐसा का नहीं के कि जो हमारा इंजन के जवाब दे सके। पहले आगे लोकेशन दिखाइए इनको, ये अच्छा ये जो है यहाँ पे ये अभी साटा गया है, ये शीशा है, ये पेपर बा सटले बने की जाने से लेके स्क्रेच ना करो सन। अच्छा ये आगे के जो सीन बाटे लुक बाटे है ना सर, का उम्मीद बाटे? रुपया तो बहुत खर्चा हो गई बाटे। सब भगवान के दया बटे, पंच के दया बटे, पंच मुहे परमेश्वर होला, सारा लोग कहत हटे, खुशी के बात बा। इनका कदा बहुत कुछ समझाओल गई मनले ना, लेकिन सब कल गई मरबो कोई नहीं ना मनले, तो अब इनकर भाई लोग कह छोड़ा बाबूजी काम मारता रह कर तार तुम कर दो, कमा के दिला लो दो चार पैसा, बनिहारी कर ले सन, हमने के किसान आदमी हैं सर, मजदूर हैं सन, हैं मेहनत कह के आदमी के खाए के बाद ये लोग के पोषण ही सब कुछ तैयार कर देनी, एक बाद में अपन अब कर्तव्य भगवान के देनी या पंच के देनी, जो कैसे का हुई अब विश्वर जानस हैं, अब दोसर कुछ का कहीं, हमने के गरीब आदमी बनी सन, उतना जिमी जीविका नहीं खे, उतना खेत बाड़ी नहीं खाए, रहे दस पंद्रह दूर जमीन तो बेच बिकिन के दे देनी कह के अपन काम धंधा करे लगल है, भाई लोग कमाला लो दो चार पैसा लिया के दिला लो, लेबर में काम करे लालो, माटी उटी के काम गिलवा माटी के करे लालो, दिया लाभ का दूसर कहो जब पहुँच के दया बात सरकार से, मैं इतना प्रार्थना करते हैं जो सरकार कुछ मुझके मदद मिले, जो लड़का आगे बढ़े, जो सारा बिहार को ना हो को और गोपालगंज जिला को और बरौली थाना को सब किसी को प्रणाम करता हूँ, अब आगे चल कर भगवान देखें जो क्या होगा। मैं आपका नाम राजबली मांझी है। चलिए अब मैं दिखा रहा था गोपालगंज जिले के, जो कि पंकज त्रिपाठी की अपार सफलता के बाद एक और लड़का इतिहास रचने जा रहा है बिहार में। अब देखना बाकी हो क्या जनता सपोर्ट कर पाएगी, जनता अगर सपोर्ट करेगी तो एक हफ्ता या दो हफ्ता के अंदर में ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाएगी। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, फिर मैं मिलूँगा अमरजीत जी से, जब तक इनका हेलीकॉप्टर सक्सेस हो जाएगा फिर मैं आऊँगा और फिर मैं आपको यहाँ का विजुअल दिखाऊँगा किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। जब तक मैं हूँ आपके साथ ही हूँ उस कैमरामैन साहबुद्दीन के साथ, धन्यवाद।